हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम दीपक साहू, मैथमेटिक्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक्स हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 1 क्लास 9th। इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल एग्जैक्टली वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म मैथमेटिक्स कम टू इनटू एग्जिस्टेंस। इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट, वी कम अक्रॉस अ फ्यू पिक्चर्स और सिम्बॉल विच इंडिकेट टूवर्ड्स बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ। मतलब मैथमेटिक्स के बारे में एग्जिस्ट आया कहाँ से एग्जिस्टेंस में, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पुराने ज़माने के रिटन डॉक्यूमेंट्स को अगर देखते हैं तो हमें कुछ पिक्चर्स या सिंबल दिखाई देता है जिससे हमको मैथ्स के बारे में नॉलेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल लॉजिस्ट हैव डिस्कवर ओकर रॉक इन द केव ऑफ साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका के आसपास है ना, चट्टानों में ओकरे हुए कुछ आकृतियाँ मिलती है जिसको ज्योमेट्रिकल पैटर्न में देखा गया, जिसको हम बोलते हैं कि इचिंग है ना, कुरेदे हुए रूप में मिला, जिससे हमको मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी मिलता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट इसागो बॉर्न नियर नाइल रिवर इन कॉन्गो इन द ओल्डेस्ट रिप्रेजेंट ऑफ द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। मतलब वहाँ नील रिवर इसागो के आसपास ये देखा गया कि वहाँ पे कॉन्गो के ओल्डेस्ट रिप्रेजेंट में सीरीज प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर तो जानते ही छो, उसके बारे में हमको कुछ सिंबल मिलता है। दिस माइट बी 20,000 ईयर ओल्ड, जो कि 20,000 ईयर ओल्ड मिलता है। यानी कि ये बताया जा सकता है कि मैथ्स के बारे में कोई फिक्स नॉलेज या टाइम नहीं बताया जा सकता। ये हमें सिंबल के रूप में या कोई पत्थरों में लिखा हुआ या नदी या बड़े बड़े सिटी के आसपास हमको कुछ ईयर समय पता चलता है। अराउंड 5,000 बीसी सम ज्योमेट्रिकल स्पेशल डिजाइंस वेयर डिपिक्टेड बाई द पीपल ऑफ इजिप्ट इन एंशिएंट इंडिया। दी ओल्डेस्ट नोन नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स गोज टू बैक टू 3,600 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया डेवलप्ड बाई सिस्टम सेम वेट ऑफ द मेजर। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, ये बताया जा सकता है कि 5,000 है ना, 5,000 BC के आसपास कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइंस हमको मिला है कहाँ, इजिप्ट के पास। और वही उसके बाद हमको प्राचीन भारत में है ना कुछ डिज़ाइंस मिलते हैं, कब, 3000 से 2600 BC पहले। अब AC और BC में मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं, क्रिस्ट के बर्थ के बाद को AC बोला जाता है। जैसे AC में हम क्या बोल सकते हैं, आफ्टर बर्थ ऑफ क्रिस्ट इस AC, मतलब अभी AC चल रहा है 2021, वैसे ही क्रिस्ट के जन्म से पहले को BC बोला जाता है, बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट उसको BC बोला। यानी कि हम ये बोल सकते हैं BC जो है क्रिस्ट के जन्म के पहले का समय है और AC क्रिस्ट के जन्म के बाद का समय है। वी हैव गेट द आल्सो प्रूफ ऑफ द ब्रिक्स ऑफ टेक्निक ऑफ द रेशियो प्रोपोर्शन यूज्ड इन द रोड एंड होम मेड क्यूब क्यूबॉइड्स है ना, सिलिंड्रिकल सर्कुलर ट्राइंगल शेप्स इन द हाईली डेवलप्ड दैट टाइम इन मोहनजोदारो में हमें ऐसा सिविलाइजेशन यानी कि ऐसा नगरी निकाय या ऐसा नगरी जगह मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिक्स भी रेशियो प्रोपोर्शन में यानी सेम साइज और साइज में मिला, जिससे एक बहुत अच्छा जगह बनाया गया और वहाँ बहुत सारे सर्कल शेप्स है, सिलेंड्रिकल शेप है, ट्राइंगल शेप में वहाँ डिज़ाइन किया गया था। दी ओल्डेस्ट एग्जाम्पल चाइनीज मेडिव गोज टू बैक टू चाइनीज चंग डायनेस्टी 1600 to 1046 BC है ना। अब चंग डायनेस्टी जो है, देखिए चाइनीज चंग डायनेस्टी जो है 1600 और 1046 BC पहले भी ये पाया गया और ये धीरे धीरे करके इंडिया में भी डेवलप हुआ गया और इसको हम बोलते हैं कि इट हैड द हेल्प डेवलप्ड वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड मेजरमेंट साइंस अराउंड 3000 to 2500 BC। लेकिन दोनों का समय लगभग मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो का और चाइनीज डायनेस्टी जो आया था चंग का समय, जो एक दोनों से मैच होता है, जो इसको हम मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं और हम जो अभी बात करें 3000 to 2500 BC को किसके नाम से जानते हैं, मेसोपोटामिया के नाम से, सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स द बैकबोन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हैंस द वेदांग ज्योतिष ऋषि है ना लगत हैज़ रिटर्न। मतलब मैथमेटिक्स को बैकबोन, साइंस का बैकबोन कहा जा सकता है, इसलिए ऐसा बोला गया क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हमें हर सब्जेक्ट में मिलता है, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट में जाए हमको नंबर सिस्टम के रूप में, डेट ऑफ बर्थ के रूप में, सीरियल नंबर के रूप में, कहीं ना कहीं मैथ्स हमको मिलता है। मैथ्स के बारे में कुछ
लगत ऋषि के बारे में के अनुसार लिखा गया कुछ था। यथा शिखा मरणा नाम नागाणाम मर्यो यथा तदवद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध निश्चितम। मीनिंग होता है इसका, मैथमेटिक्स एडॉन द हेड ऑफ द ऑल वेदांग शास्त्रा साइंस लाइक दी है ना प्लम ऑन टॉप ऑफ द पीकॉक हेड ऑफ द हेड ऑफ द बी पिक ऑन द टॉप ऑफ द कोबरास हेड। इसका कहने का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट के सिर पर उसी तरह सुशोभित है या उसी तरह विराजमान है जिस प्रकार से मयूर के सिर पर सुशोभित उसके जो बनाए गए पंख, और ठीक उसी प्रकार से कोबरा यानी नांग देवता के सिर पर जैसे मणि सुशोभित होता है। एरिथमेटिक, एरिथमेटिक इज द मेन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट्स यूजेज कैन बी अ लॉट ऑफ डे ऑफ द डे अफेयर। द बेसिक एरिथमेटिक इज द नंबर सिस्टम इन द विच जीरो हैज अ स्पेशल पोजिशन। एरिथमेटिक जिसको हम बोलते हैं वह मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं। और इसके अलावा नंबर सिस्टम में एक जीरो का इन्वेंट होता है जिसका पोजिशन इसके बिना अधूरा माना जाता है। डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, डिस्कवरी ऑफ जीरो के बारे में अगर हम देखें, कॉन्सेप्ट अगर देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इज वेरी मच पार्ट ऑफ द वेदास। डिस्कवरी ऑफ जीरो वेद के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऋषि ऋचा ऑफ द यजुर्वेद चैप्टर 40:17 ओम खम ब्रह्म, मतलब ऋचा यजुर्वेद के ऋचा चैप्टर 40 में वर्स 17 में ओम खम ब्रह्म करके इसका यूज़ किया गया है। और खम का उपयोग इंडिकेट करता है कि स्काई आल्सो शून्य, और आसमान यानी स्काई को ही शून्य कहा गया है क्योंकि आसमान ही बहुत ही होल पार्ट यानी कि बिग पार्ट ह्यूज पार्ट को डिनोट करते हैं, वैसे जीरो भी ह्यूज पार्ट को डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो विदाउट जीरो इन मैथमेटिक्स का कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता, इसलिए जीरो इज़ द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। जीरो का इम्पोर्टेंस सबको समझ आ रहा होगा कि बहुत कितना इंपॉर्टेंट है। जीरो के ही विकास से ही हमारा मैथमेटिक्स आगे बढ़ा। भास्कराचार्य इन दिस बुक लीलावती हैज खम, भास्कराचार्य की बुक में लीलावती की जो बुक है उसमें खम का उपयोग किया गया जिसे शून्य या जीरो कहा गया। खम का हमने अभी भी कहा कि खम का उपयोग हम आसमान के लिए भी करते हैं। अब भास्कराचार्य की दो बेटियां थी लीलावती और कलावती। भास्कराचार्य के बेटियां बोलते हैं कि हम पापा आप तो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन हो, हमारा भी नाम फेमस कर दो। तो भास्कराचार्य अपने बड़ी बेटी लीलावती के नाम पर एरिथमेटिक को रखता है, एरिथमेटिक को लीलावती के नाम पर रखते हैं, और एक जो बुक है नंबर सिस्टम उसको कलावती के नाम पर रखते हैं। ठीक है। द क्रेडिट ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग जीरो हैज़ बीन टू गिवन टू ग्रेट संस्कृत ग्रामेडियन पाणिनी। ठीक है, ये पाणिनी को जाता है क्योंकि वो 5000 BC से पहले इसको इन्वेंट करी था, और पिंगल 2000 BC में। लेकिन इसका रेफरेंस डिस्कवरी ऑफ क्रेडिट किसको जाता है? वैदिक ऋषि गृत्समत को इसका क्रेडिट जाता है। ठीक है। और प्रोफेसर जी टी हेराल्ड ने कहते हैं कि नन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स हैव द प्रूव्ड इन द इम्पोर्टेंट ऑफ द जीरो एस जीरो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड ब्रॉन। वो बोलते हैं कि अगर मैथमेटिक्स को समझना है या मैथमेटिक्स को जानना है या मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट है तो कौन सा है? जीरो को जानना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसा करके किसने कह दिया था? प्रोफेसर जी बी हेस्टेड। फ्रॉम द फोर्थ सेंचुरी बीसी सेकंड सेंचुरी एडी। देखो फोर्थ सेंचुरी के पहले है ना और सेकंड सेंचुरी के बाद में वन कैन फाइंड द यूज ऑफ द खरोष्टी सिस्टम, ब्राह्मी और खरोष्टी सिस्टम आता है ना। यजुर्वेद संहिता रामायण रिलीजन बुक देर आफ्टर हैव गिवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 to the power of 15। मतलब हम देखते हैं कि हम 10 के जो 10 to the power के जितने सारे नंबर है उसको अपने यजुर्वेद संहिता में अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि 10 को हम लिख सकते हैं 10 to the power of 1, 100 को लिख सकते हैं 10 to the power of 2, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 to the power of 3। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स बड़े बड़े नंबर है उसके लिए छोटा छोटा नाम दिया गया। जैसे 10 to the power of 11 को यहाँ पे बोला गया न्यूनतम, 10 to the power of 21 को बोला गया उत्सव है ना। इस तरीके से हम देखते हैं 10 to the power of 53 को बोला गया है तलक्षणा। क्या बोला गया है? तलक्षणा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। एलजेब्रा,
There are quite a few similar in the formation and principle of algebra and arithmetic. The major difference of those two, arithmetic deal and the expressed known qualities and algebra deal with the expressed unknown qualities. मतलब दोनों में उतना ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन हम अगर देखें तो arithmetic और algebra जो है ना expression में, इसके expression और quantity में थोड़ा difference आता है. क्यों? क्योंकि एल्जेब्रा जो होता है अनएक्सप्रेस्ड वैल्यू को बताता है. जैसे एक्स वाई जेड इक्वेशन में हम वैल्यू निकालते हैं, एल्जेब्रा को शो करता है, और एरिथमेटिक हमारे नंबर सिस्टम को शो करता है. ठीक है, एल्जेब्रा समझ आ गया होगा. ज्योमेट्री, व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स वी रियलाइज दैट द बेस ऑफ द ज्योमेट्री हैड बीन ऑलरेडी लेड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड्स. We get see mathematics in the Vedang named Kalp, in short form of the Surva Sutram. हम जैसे ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे शेप्स और साइज के बहुत सारे पिक्चर्स आते हैं. ठीक वही हमारे मैथमेटिशंस लोग जो थे पहले ही इसको डिस्कवर कर चुके थे. उन्होंने रियलाइज़ किया कि ज्योमेट्री का शेप ऑलरेडी हम वैदिक पीरियड में बता चुके हैं. उन्होंने कहा कि वेदांग नेम्ड कल्प में इसको ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में शूल सूत्र भी कहा जाता है. द रोप यूज मेजरिंग द अल्टार्स वॉज नोन सुलवा एंड सूत्र मीन्स एक्सप्रेस द इन्फॉर्मेशन इन द प्रेसिस फॉर्म. द सुलव सूत्र वेयर नेम्ड आफ्टर देयर क्रिएटर बौधायन, है ना, बौधायन थ्योरम के नाम से जानते हैं. और हम बौधायन थ्योरम को ही क्या बोलेंगे आगे जाके, पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे बौधायन थ्योरम लिखा है, दीर्घ चतुरस्त्रस्य अक्षणा रज्जु पार्श्वमानि तिर्यक मानि च यत् पृथक भूते कुरुतः तत् अभयम् करोति इति क्षेत्र ज्ञानम. बौधायन शूल सूत्र बोलते हैं कि द मीनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. इसका कहने का मतलब यह कि एक हम बड़ा सा रेक्टेंगल लेंगे और रेक्टेंगल के बीच में एक डायगोनल बनाएंगे, और डायगोनल में जैसे डिवाइड करते हैं उसको टू ट्रायंगल मिलता है. तो उसमें से अगर वन ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें तो एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनता है, उसमें एक 90 डिग्री एंगल भी बनता है. अब हम बोलें तो उसके जो डायगोनल है ना, डायगोनल का जो एरिया का स्क्वायर है, अन्य दो साइड बचा हुआ दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है, जिसको हम बौधायन थ्योरम भी बोलते हैं और जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं. तो यहाँ इम्पोर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि बौधायन थ्योरम, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, वो हमको पहले ही वैदिक ऋषि लोग दे चुके हैं, और आज मॉडर्न में हम उसको क्या नाम से जाने, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं. बट इंडियन हिस्ट्री ऑफ पाई की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियंस टू गिव द, है ना, रिजनली बाई द क्लोज एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ पाई विच इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर. आर्यभट्ट पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पाई की एग्जैक्ट वैल्यू का मान निकाला. उन्होंने कहा कि 8 4 to 100 मल्टीप्लाई द सम बाई द बाई 8 एंड 8 इंटू इंटू 60 to 100. तो उसका इसका मतलब होता है कि 100 में 4 ऐड करके, है ना, 8 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 62,000 प्लस कर देंगे, तो यह जो एडिशन होगा उसको 20,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह जो है डायमीटर, जो कि सर्कमफेरेंस के रेशियो यानी कि रेडियस के लगभग माप के इक्वल आ जाता है. तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, पाई के सर्कमफेरेंस को अगर हम इतने कैलकुलेशन को कंप्लीट करते तो हमको 62,832 मिलता है, और उसको अगर हम 20,000 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पाई की वैल्यू 3.1416 विच इज़ द करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस टूडेज. आज तक का ये एग्जैक्ट वैल्यू हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दिया है, जो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है. भास्कराचार्य अपने लीलावती ग्रंथ में ये बोला कि पाई का एग्जैक्ट मान दिया है, है ना. उन्होंने पाई का एग्जैक्ट मान कैसे दिया है देखते हैं. इफ़ यू मल्टीप्लाई द डायमीटर बाई 3,927 एंड डिवाइड दिस बाई द 1,250 वी गेट द प्रेसिस सर्कमफेरेंस, और इफ़ द वी मल्टीप्लाई द डायमीटर बाई 22 डिवाइड दैट बाई 7 वी गेट अनयूजेबल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द सर्कम.
उन्होंने कहा कि अगर उसके डायमीटर को 3927 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और 1250 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको किसी भी सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, जिसे हम आज 27 है ना 27 जिसको 22 से मल्टीप्लाई करके अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक्चुअल वैल्यू फाइंड हो जाता है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्वामी भारती रामकृष्ण तीर्थ जिन्होंने गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन भारती अगर रामकृष्ण जो है सबसे ज़्यादा पाई की वैल्यू तो दिए हैं, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा फेमस ये हुआ क्योंकि इन्होंने जितने सारे मैथमेटिशियन के कलेक्शन हैं उसको वैदिक गणित नामक बुक के रूप में इन्होंने हमारे सामने लाया, जो हम आज बुक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग बुक जिसको हम बोल रहे हैं कि वैदिक गणित है, जो जिसमें हमारे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, मैथमेटिक्स को मल्टीप्लाई करने के ट्रिक्स हैं, एडिशन के ट्रिक हैं, सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स हैं, डिवाइड के ट्रिक्स हैं, इन सब का कलेक्शन यानी लिखने वाला कौन है, स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ। श्रीनिवासन रामानुजन की अगर बात करें 1887 टू 1920 एडी, मतलब अभी 1887 से 1920 की बात है, ये फर्स्ट रिसर्चर थे जिन्होंने यूरोप में जाके अपना पहला टाइटल को पब्लिश किया और मॉड्यूलर इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई के को प्रैक्टिकली उन्होंने समझाया था। ये पहले इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासन रामानुजन, जिसको यूरोप में जाके अपना प्रतिरूपक इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन को एप्रोक्सीमेशन टू पाई के रूप में उन्होंने दिया। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ऑफ द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ एंगल एंड ट्राइंगल आर स्टडीज। दिस इज वेरी ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। द यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मेड इन द कैलकुलेटिंग द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द इंडियन एस्ट्रोलॉजी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। हम इस साल हम नाइन्थ क्लास में ये देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के जो पार्ट्स होते हैं, ट्रायंगल से हम डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, उससे बहुत सारे एग्जांपल्स रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो आई होप सबको समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को बार बार देखिए। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था क्लास नाइन्थ के लिए, तो सो प्लीज़ I request to all dear students, please support me. Thank you for watching my videos. Again, subscribe my channel and like my channel.